नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया। मैं हूं पंकज शर्मा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने लेखक उमेश उपाध्याय जी। उमेश उपाध्याय जी ने हाल ही में एक किताब लिखी है, वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव्स ऑन इंडिया फ्रॉम गांधी टू मोदी। इस किताब को लिखने की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली, कितने समय में ये किताब पूरी हुई और इस किताब में क्या खास है, आज हम इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे उमेश उपाध्याय जी से। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस वार्ता में आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, हम किताब पे चर्चा कर रहे हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा ये आपके बारे में जान लेते हैं। किताब के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन आपका पत्रकार बनने का सफ़र कैसा रहा, फिर पत्रकार से लेखक बनने का सफ़र कैसा रहा, तो अपने बारे में सर थोड़ा सा बताएं ताकि हमारे। ऐसा पंकज, यात्रा पहले से तय तो होती नहीं है। हमने अपनी पढ़ाई JNU से की, मास्टर्स और MPhil स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन से। दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ दिन तक पढ़ाया, फिर पत्रकार बन गए, पत्रकारिता शुरू की और पहले PTI में और फिर टेलीविज़न में आ गए। लेकिन ये जो सवाल था कि मीडिया, वेस्टर्न मीडिया भारत को किस तरह से देखता है, डेवलपिंग सोसाइटीज़ को किस तरह से देखता है, ये मेरे मन में, मैं जब MPhil कर रहा था तभी से था। और 1979 में ईरान में हॉस्टेज क्राइसिस हुआ था और मैं एक PhD के लिए रजिस्टर्ड था उस समय JNU में, तो मैं उसका अध्ययन करना चाहता था कि कैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को देखने की नज़र कैसे है। वो सवाल मेरे मन में तभी से था। और अभी जब कोविड आया और मैंने देखा कि पश्चिमी मीडिया ने जिस तरह से भारत की घटनाओं को चित्रित किया, तो मुझे लगा कि ये समय है जब इस पर एक पूरा शोध किया जाए, एक रिसर्च किया जाए, देखा जाए कि असल में स्थिति क्या है। तो ये पुस्तक उसी का परिणाम है जी। तो आपकी ये पुस्तक, कुछ खास इसके पॉइंट्स जो आप हमें बता सकें, और किस पब्लिकेशन ने पब्लिश की है ये, और इसमें कितने खंड हैं और कैसे हमारे पाठकों को पढ़ने को मिलेगी, इसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं। ये पुस्तक रूपा ने पब्लिश की है। रूपा, जैसा आप जानते होंगे, एक बड़े प्रतिष्ठित यहाँ के पब्लिकेशन हाउस हैं, प्रकाशक हैं। ये अंग्रेज़ी में है पुस्तक। अभी बहुत मैं दिखा भी सकता हूँ अगर दर्शक देखना चाहें तो, ये पुस्तक है और कोई बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, इसलिए मोटी पुस्तक पढ़ने से लोग बात कई बार डरते भी हैं कि मोटी कैसे पढ़ी जाएगी। इसका एक ही खंड है ये, और अंग्रेज़ी में अभी उपलब्ध है। आप कहीं से भी ले सकते हैं, बुक स्टोर से भी ले सकते हैं, अमेज़ॉन पर भी ले सकते हैं। और मैं तो कल किसी एक विश्वविद्यालय में गया था तो मैंने कहा कि स्टारबक्स में एक जितने में कॉफ़ी आती है उतने में ही ये पुस्तक आ जाएगी। इसलिए एक पुस्तक खरीदने में और ख़रीदने का जैसे पढ़ने का चलन होना चाहिए, तो ये है। जैसा कि हमने इसका शीर्षक देखा है कि वेस्टर्न मीडिया का नैरेटिव्स इंडिया के बारे में, तो किस तरह के नैरेटिव्स के बारे में इसमें बात की गई है, जिसका भारतीय समाज या राजनीति पर किस तरह का प्रभाव आप देखते हैं? अगर मैं एक शब्द में, एक फ्रेज में कहना चाहूँ कि पुस्तक किस बारे में है, तो पुस्तक है कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड्स के बारे में, मानसिक दासता के बारे में, कि कैसे भारत जैसे जो समाज हैं, जिनको तीसरी दुनिया के विकासशील समाज कहा जाता है, देश कहा जाता है, उनमें कैसे फिजिकल इंडिपेंडेंस होने के बावजूद, साम्राज्यवाद के समाप्त होने के बावजूद, मानसिक गुलामी लगातार जारी है, और इस मानसिक गुलामी को आगे बढ़ाने के लिए इसको पल्लवित पोषित करता है पश्चिम का मीडिया जी। ये सार है इस पुस्तक का। और ये होता क्यों है? क्योंकि पश्चिम के समाजों में हमारे समाजों को लेकर बराबरी का दर्जा देने की बात ही नहीं है जी। वो अपने को श्रेष्ठ समझते हैं और इस कारण से हमारे समाजों को मानते हैं कि हम अविकसित हैं, हम गैर पढ़े लिखे हैं, हम असभ्य हैं, कई बार बर्बर कहते हैं जी। और इसलिए हमको बताया जाता है कि हमको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। ये पुस्तक उस बारे में है। और पश्चिमी मीडिया जो है, पश्चिमी सभ्यता का एक बहुत बड़ा औजार है, एक टूल है इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने में
और एक दो वाक्य में और मैं कहना चाहूँगा कि ये नैरेटिव आज की पैदाइश नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये 2024 की बात है, यह शताब्दियों से चला आ रहा है, कम से कम दो शताब्दियों से चला आ रहा है भारत के संदर्भ में, तो मैं ये कह सकता हूँ। इसलिए जब आज प्रधानमंत्री मोदी हैं वो ज़्यादा असर्टिव हैं, अपनी बात को ज़ोर से कहते हैं, भारत को अपना स्थान दिलाने की बात कहते हैं, तो उनके विरुद्ध कुछ ज़्यादा होता है जी। लेकिन यह गांधी के विरुद्ध भी था, यह अटल बिहारी वाजपेयी के विरुद्ध भी था, यह सरदार पटेल के विरुद्ध भी था। जो भी भारत की बात को जोरदार तरीके से उठाएगा, जो भी हमारी विरासत को, हमारी सभ्यता को, कि भारत को दुनिया के अंदर अपनी उचित जगह मिलनी चाहिए, उसका विरोध शुरू हो जाएगा। कारण बहुत सारे दिए जा सकते हैं अलग अलग तरीके के जी। तो जैसे अभी आपने मोदी और गांधी जी वाली बात कही है, तो क्या आपको लगता है कि जो मोदी जी का शासनकाल है, इसमें जो वेस्टर्न मीडिया के नैरेटिव्स में कुछ परिवर्तन आया है जो गांधी जी के समय में था, क्या ये सकारात्मक परिवर्तन है, या कुछ इस पर अंकुश लगा है कि जो चल रहा था कि ठीक है वेस्टर्न मीडिया हमारा जो नैरेटिव्स था, अब उस पर मोदी के शासन में कुछ अंतर पड़ा है? नहीं नहीं, देखिए वेस्टर्न मीडिया का जो नैरेटिव था वैसा का वैसा ही है। उदाहरण के लिए मैंने उदाहरण इसमें कह दिए और इस किताब के अंदर 300 से ज़्यादा प्राइमरी सोर्सेस से साइटेशंस हैं, यानी शोध किया है। आपने पहले प्रश्न में पूछा था कितना समय लगा, 2.5-3 साल लगे इसको लिखने में मुझे किताब को, क्योंकि इसके लिए पढ़ना बहुत पड़ा, मुझे निकालने पड़े संदर्भ निकालने पड़े। और उन संदर्भों की चर्चा करें, आपने गांधी की और मोदी की बात की, एक किस्सा आपको बताता हूँ। 1947 अगस्त में भारत स्वतंत्र हुआ जी, अचानक से दिसंबर 9 दिसंबर को अंग्रेजी अखबारों में खबर प्रकाशित हुई, और वो खबर प्रकाशित होती है कि गांधी और पटेल थक गए हैं इसलिए आराम करने के लिए जाना चाहते हैं पिलानी जी। अब अगस्त से दिसंबर में कितना दिन है, 3-4 महीने का गैप है जी। भारत जल रहा है, दंगे हो रहे हैं, सरदार पटेल लगे हुए हैं राज्यों के एकीकरण में, गांधी लगे हुए हैं दंगों की आग बुझाने के अंदर, वो आराम करने जाएंगे ये प्रश्न ही नहीं उठता है। और गांधी जी ने अपनी प्रार्थना सभा में जो भाषण दिया 9 दिसंबर को, उसमें कहा कि ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं मेरे बारे में, और उस समाचार में ये भी लिखा पंकज कि उनके जाने के लिए जो इंतजाम किए जा रहे हैं पिलानी के अंदर, जयपुर से सामान आ रहा है, इस कारण जयपुर के अंदर कई चीज़ों की किल्लत पैदा हो गई। अब ये समाचार क्यों दिया गया, ये बताने के लिए भारत के दो बड़े नेता सरदार पटेल और महात्मा गांधी कि भाई ये आराम तलब लोग हैं, उनके बारे में एक इमेज पेश करने की कोशिश की गई। तो वो इमेज उस समय पेश करने की कोशिश की गई जी। आज अगर आप देखेंगे मोदी को, क्या इमेज करने की कोशिश हो रही है, चाहे वो यूक्रेन का क्राइसिस हो, चाहे कोविड का समय हो, पहले कि भारत कोविड का सामना ही नहीं कर पाएगा, फिर यूक्रेन के समय हम रूस से तेल क्यों रह रहे हैं, प्रकरण बदल जाएंगे, घटनाएं बदल जाएंगी, वृतांत बदल जाएंगे, लेकिन नैरेटिव वही चलेगा कि भारत के नेता शासन करने योग्य नहीं है। और ये मैं इसमें संदर्भ एक देना चाहता हूं, ये थॉट जो है चर्चिलियन थॉट है भारत के बारे में। 1930 में चर्चिल ने एक भाषण दिया था जब भारत में पहला गोलमेज सम्मेलन होने वाला था, किताब में मैंने इसको उद्धृत किया है, और उस भाषण का शीर्षक है आवर ड्यूटी इन इंडिया। अरे भाई, तुमको ड्यूटी देने का किसने ठेका दे दिया भारत के बारे में? और उसमें वो लिखते हैं कि भारत से अगर अंग्रेज वापस चले गए कुछ अफसर, तो भारत टूट जाएगा, बिखर जाएगा, अनियंत्रित हो जाएगा, भारत में जो भी कुछ हुआ है वो अंग्रेजों के कारण हुआ है। आज भी वही वृतांत चलता है, आज भी वही, आज मोदी अपनी बात को असर्टिव रूप से कहते हैं तो उनके खिलाफ वो क्या अधिनायकवादी हैं, वो लोकतंत्र के खिलाफ हैं। अरे भाई, हम 1947 में आज़ाद हुए, 1950 में हमने सबको सार्वभौम मताधिकार दिया, तब तक कई पश्चिमी यूरोप देशों में सार्वभौम मताधिकार नहीं था। आपने पहले दिन से कहना शुरू किया कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी नहीं चल सकती, भारत टूट जाएगा, आज फिर वही आप बात कर रहे हैं, बात वही है जी। अभी जैसे आपने कोविड का जिक्र किया, हम सभी लोग प्रभावित रहे, देश विदेश क्या पूरी दुनिया ही प्रभावित रही, लेकिन हमने ये देखा कि वेस्टर्न मीडिया ने
जो इंडिया के बारे में नैरेटिव फैलाया, कोई कसर, मतलब जो छवि जो होती है धूमिल करने की, कोई कसर नहीं छोड़ी कि इंडिया में ये तमाम तरह के लाशों के ढेर और वो सब दिखाए गए, और जिसका मतलब लगा कि हाँ ये पीछे पड़ा हुआ है कि जानबूझ के फॉरेन मीडिया, तो उस तरह की बातों को भी इस किताब में जगह दी गई है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही कोविड आरंभ हुआ, अगर आप देखेंगे तो कोविड की अगर टाइमलाइन को आप देखेंगे तो जनवरी 2020 से कोविड के केसेस होने शुरू होते हैं। उस पर एक बहस है कि कहाँ से शुरू हुआ, चीन से शुरू हुआ, चीन कहता है कि अमेरिका के एक रक्षा संस्थान से शुरू हुआ वगैरह, उस बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है जी। भारत में कोविड आते आते आप देखें तो मार्च हुआ, यानी मार्च में हमारे यहाँ पहला जिसको बोलते हैं लॉकडाउन लगाया गया 24 मार्च से। लेकिन जनवरी फरवरी में अगर आप देखें, जनवरी फरवरी मार्च के शुरू के हिस्से में यूरोप के अंदर बेतहाशा मृत्यु की खबर आने लगी थी। इटली खासकर अगर आपको ध्यान हो तो वहाँ पर मुश्किल हो रही थी, लाशों के अंबार लगे हुए थे, तीन तीन चार चार दिन तक अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा था। न्यूयॉर्क के अंदर, स्टेटन आइलैंड के अंदर लाशों के ढेर थे, अस्पतालों के बाहर मरीजों की लाइन लगी थी। भारत में उस समय कुछ 100 लोग ही कोविड के संक्रमण के शिकार हुए थे। लेकिन अगर आप मार्च के अंत के पश्चिमी मीडिया के नैरेटिव को देखना शुरू करें, 24 मार्च को हमारे यहाँ लगता है लॉकडाउन, 27-28 मार्च को ही खबरें प्रकाशित होने लगती हैं कि भारत का डेटा सही नहीं। दूसरा, उसी समय भारत में कोविड की स्थिति में क्या हो सकता है ये लिखा जाने लगा, और दो घटनाओं का जिक्र उन्होंने करना शुरू किया कि 1918 में जो स्पेनिश फ्लू आया था, जिस समय भारत के अंदर करोड़ों लोग मारे गए थे, कि भारत में कोविड आया तो इतने लोग मारे जाएंगे जी। ये क्या बात हुई, आप क्या बात करने वाले हैं? क्या 1918 का भारत और 2020 का भारत एक है, भिन्न है? फिर 1943 के जो एक बंगाल में फेमिन आया था, दुर्भिक्ष अकाल आया था, उसमें मौतें हुई थी, उससे तुलना करना शुरू किया। यानी पहले दिन से आपने ये कहना शुरू कर दिया कि, और शीर्षक थे कि अभी यूरोप में कहर ढा रहा है, मैं हिंदी कर रहा हूँ उसकी, अभी यूरोप में कोविड कहर ढा रहा है लेकिन भारत जैसे देशों में आएगा तो वहां क्या होगा, बिल्कुल, और ऐसी कल्पना करनी शुरू की। अब लेकिन नंबर जो थे भारत के कम थे जी, और आप देखेंगे कि मई जून तक जाते जाते उन्होंने कहा कि भारत के आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और उसके एक साल बाद का मैं उदाहरण देता हूं, और इसमें सारे वृतांत, सारे जो खबरें हैं गार्डियन की, बीबीसी की, न्यूयॉर्क टाइम्स की, वॉशिंगटन पोस्ट की, सबूत के साथ उद्धृत की है। इसमें एक खास बात का जिक्र करना चाहूंगा, 25 मई 2021 को न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर आई कि भारत के अंदर 4.2 मिलियन लोग मारे जा चुके हैं, 42 लाख लोग। तब तक का मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भारत में आधिकारिक आंकड़ा जो था मरने वालों की संख्या का 3,07,000 या 3,08,000 के आसपास था। अब 3 लाख से उसको 42 लाख करना किस आधार पर आपने किया, बिल्कुल क्यों किया? 4 एक्सपर्ट से बात की और वो एक्सपर्ट भी आपके चुने हुए थे, तो जिसको बोलते हैं ना मार्केटिंग की लैंग्वेज में, एक आप बनाते हैं और ऐसे करके तीर दिखाते हैं कि देखिए इतने लोग, इतनी संख्या बढ़ गई जी। आप भारत के लोगों की मौत के बारे में चर्चा कर रहे थे, और कोविड भारत की पैदाइश नहीं था, भारत कोविड का विक्टिम था, हम परेशान थे। इस देश में कोई आदमी ऐसा नहीं हुआ जिसके आसपास दूर दराज में तकलीफ ना हुई हो। उस तकलीफ में ये कह देना, मैंने पंकज इस खबर को थोड़ा और ज्यादा गहनता से पढ़ा, 42 लाख, कारण क्या था कि न्यूयॉर्क टाइम्स शायद उनको लग रहा था यार कैसे हो सकता है, हमारे यहाँ इतने लोग मर रहे हैं, इनके यहाँ कम लोग कैसे मर रहे हैं, कुछ गड़बड़ होगी, तो गड़बड़ होगी तो डाउट करो। तो जुलाई में वो लिखते हैं कि अभी 42 लाख नहीं, अब 45 लाख हो गए, वो 35 लाख होंगे, तो वो ये करते रहे। और होता क्या है कि जब न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐसी खबर छपती है तो भारत के अखबार भी उठा लेते हैं, बिल्कुल, भारत के अखबार में भी उसको जमकर छापा गया और वो चित्र लगाए गए। मैं इस खबर को फॉलो करता रहा, 2023 दिसंबर का मैंने आंकड़ा देखा, भारत में अब तक मरने वालों की जो संख्या है, तादाद है, वो कोई 5,40,000 के आसपास है, कुछ हजार इधर उधर होगा क्योंकि आंकड़े बदलते रहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने
का जो लास्ट अवेलेबल डेटा है भारत के बारे में, उसके बाद उन्होंने भारत के मृत्यु और संक्रमण की संख्या को टच करना बंद कर दिया, वो अब भारत के उन्हीं आंकड़ों को लिखते हैं जी। मेरा सवाल ये है कि अगर आज आप अभी आंकड़ों को इनको मानते हैं कि 5,35,000-40,000 जो लोग मारे गए, आपने तब 40 लाख कहा था, बिल्कुल, तो क्या आपको भारत की जनता से, भारत की सरकार से, भारत की समाज से माफी नहीं मांगनी चाहिए कि आपसे सीरियस मिसकैलकुलेशन हुआ, एडिटोरियल मिसजजमेंट हुआ, और हुआ तो आप सामने आइए और कहिए कि हमने गलती की, या फिर आप किसी एजेंडा के तहत चल रहे थे? ये बड़ा सवाल पैदा करता है। उसी खबर का एक और बात बताता हूं, उन्होंने 42 लाख कैसे पहुंचे, उस समय उन्होंने कहा कि भारत में कोई 70 करोड़ लोग संक्रमित हैं जी। 70 करोड़ का मतलब क्या हुआ? तकरीबन आधा भारत, यानी हर दूसरा आदमी संक्रमित है, बिल्कुल, जो कि सही नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, दिसंबर 2023 तक दुनिया के अंदर टोटल जो लोग संक्रमित हैं जी, उनकी संख्या 69 करोड़ है। तो 2021 मई में आप कह रहे हैं कि भारत के अंदर ही 70 करोड़ लोग संक्रमित हो गए, कैसे पॉसिबल है? क्या बात हुई? बिल्कुल, कोई आधार है कि नहीं है? तो इस पुस्तक के अंदर उन सारी बातों की चर्चा है और उन 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 खबरों की भी चर्चा है जो बार बार भारत के बारे में दिखाई गई, बताई गई जी। अब सर, जब बात चली तो एक सवाल और थोड़ा सा एक दिमाग में आया है कि जैसे आपकी नज़र में विदेशी मीडिया, खासकर वेस्टर्न मीडिया की हम बात करें, तो इस तरह की खबरें क्यों फैलाता है जिससे नकारात्मक भारत के बारे में, कि जिसमें वैश्विक मंच पर भारत की नेगेटिव छवि बने, और क्या इसमें विदेशी ताकतों के साथ साथ कुछ अपने देश के लोगों की भी संलिप्तता रहती है? दो तीन चीज़ें हैं इसमें। पहले तो ये समझा जाए कि वेस्टर्न मीडिया जो है वो प्रोडक्ट है इंपीरियलिज्म का, साम्राज्यवाद की उपज है वो जी। इसलिए साम्राज्यवाद के मौजूदा ढांचे को, और मौजूदा ढांचा किस कैसे है कि ये जो कल्चरल इंपीरियलिज्म है, जो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद है, जो मानसिक दासता है, उसको आगे बढ़ाए रखना जरूरी है जी। वो इसलिए जरूरी है कि दुनिया का जो इस समय का शक्ति संतुलन है जी, वो पश्चिम के पक्ष में है। पश्चिम का मीडिया इस शक्ति संतुलन को ऐसा ही बनाए रखने के लिए काम करता है। वो कोई इंडिपेंडेंट वॉचडॉग नहीं है, वो कोई चीजों को हम जो बोलते हैं ना तटस्थ भाव से नहीं देखता, वो ऐसे नहीं देखता कि जैसी चीजें हैं वैसे नहीं देखता। उसका लक्ष्य ही ये है कि इन अभी एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल पावर बैलेंस को बनाए रखा कैसे जाए, और इसलिए उसके अंदर जो भी थोड़ी भी क्या बोलते हैं उनको लगता है कि उनके पक्ष में नहीं है तो उसके खिलाफ नैरेटिव शुरू हो जाता है। अभी की तुलना की मैं आपको घटना बताता हूं जी। यूक्रेन में युद्ध हुआ, दो यूरोपीय ताकतों के बीच में युद्ध हो रहा है, बिल्कुल। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि हमारा क्या लेना देना उससे? दो यूरोपीय देश आपस में लड़ रहे हैं, आप आपस में निपटाओ ना, बिल्कुल। लेकिन आपको आकर कहते हैं कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, जबकि यूरोप के देश यूरोप से रूस से गैस मंगा रहे थे जी। भाई मुझे बताइए, अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल है, सब जानते हैं। अगर भारत की इतनी चिंता थी और उन्हें लग रहा था कि यूक्रेन में प्रॉब्लम हो रही है तो हमें सस्ता तेल दे देते, बिल्कुल। लेकिन वो, और वहां के मीडिया ने लगातार ये लिखा यूक्रेन जब युद्ध आरंभ हुआ कि भारत को बताना पड़ेगा कि भारत कहाँ खड़ा है, भारत से इतिहास सवाल पूछेगा। अरे तुमसे तो कोई इतिहास सवाल पूछ नहीं रहा, तुमने इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर इतने लोग मार दिए, तुमसे तो कोई सवाल पूछ नहीं रहा, तुम्हें तो इतिहास की याद नहीं आती। इतिहास का सारा उलाहना हमारे लिए है, अविकसित जो विकासशील देश हैं उनके लिए है जी। तो आपके सवाल का बहुत साफ जवाब है, और जवाब यह है कि विश्व के मौजूदा ढांचे में जो जहां है जिसकी हैसियत बदले नहीं, इसके लिए पश्चिम मीडिया काम करता है। इसमें जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर करेगा उसके खिलाफ कैंपेन चालू होगा जी। तो क्या आपको ऐसा भी लगता है कि जो पश्चिम मीडिया का नैरेटिव है इंडिया के मामले में, उसमें कुछ सकारात्मक बदलाव भी आएगा, और हमें किस तरह के इस मामले में कदम उठाने की ज़रूरत है जिससे नैरेटिव उनका बदले, पॉजिटिव अप्रोच आए कुछ हमारे वाले में, हमें किस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है? एक सवाल का उत्तर और रह गया, आपने मुझे पूछा था कि क्या भारत में जी जी कैसे लोग, बिल्कुल सर। दिक्कत क्या हुई है, जो मानसिक गुलामी का पूरा तंत्र है यह काम करता है जी।
इन समाजों के अंदर, भारत जैसे समाजों के अंदर भी एक वर्ग पैदा हुआ है जिनकी इंटेंशन को डाउट नहीं किया जा सकता, इंटेंशन को डाउट करने का हक हमें नहीं है, लेकिन वो ऐसा समझते हैं कि जो भी पश्चिम से आया वो ठीक है, वो पश्चिम से आया वो अच्छा है। अब पश्चिम से किसी को आकर कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। उदाहरण मैंने एक दिया है, आप सब जानते हैं जी, का उदाहरण है, दो साल पहले एक अंसल प्लाजा के रेस्टोरेंट में घटना हुई थी कि एक महिला साड़ी पहनकर चली गई थी और उनसे कहा गया, वो जो अंदर जाने वाली लड़की थी उसने कहा कि आप जा नहीं सकते हैं वेस्टर्न क्योंकि आपने सही ड्रेस नहीं पहनी है। और उसने कहा कि साड़ी इज नॉट अ स्मार्ट कैजुअल, वी ओनली अलाउ स्मार्ट कैजुअल। यस। अब उस रेस्टोरेंट का मालिक भी भारतीय है जी, रोकने वाली बच्ची भी भारतीय है, परोसने वाले भी भारतीय हैं। अब इसमें तो किसी पश्चिम आदमी ने आकर नहीं किया, लेकिन उस बच्ची के मन में, उस मैनेजमेंट के मन में ये बात कैसे घुसी कि साड़ी ऐसी चीज नहीं है जो पहन के जाई जा सकती है। और हमारे समाजों में ऐसी घटनाएं रोज लगातार होती हैं जी। इन समाजों के बीच में सदियों की दासता के कारण एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है जो उस दासता को सही, मैंने बोला ना उसकी इंटेंशन नहीं है, लेकिन वो ऐसा महसूस करता है। ये दासता के अवशेष है, मानसिक गुलामी के। तो वही, अब पश्चिम अपना नैरेटिव बदलेगा कि नहीं बदलेगा, आपने कहा जी। मुझे नहीं लगता बदलेगा, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि पावर बैलेंस दुनिया का गड़बड़ाए। हाँ, आप जितने सक्षम सशक्त होते जाएंगे उतना ही ये नैरेटिव और ज्यादा जोरदार होता जाएगा और विरोध होता जाएगा नेगेटिव, क्योंकि अगर उनको जरूरत पड़ेगी आपकी जी तो कभी कभी आपके सामने कुछ मतलब अच्छी अच्छी बातें कर देंगे, अन्यथा मुझे ऐसा लगता है कि ये नैरेटिव और प्रखर होगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा सिर्फ ये काम है कि जहां भी ऐसा हो, पहली बात तो पश्चिम के मीडिया से आने वाली हर बात को ये ना माने कि ये क्या बोलते हैं अंतिम सत्य है, सत्य पहली बात। अपने ऊपर आत्मविश्वास रखें, अपने स्रोतों को खोज करें, देखें, अरे भाई पश्चिम के लोग हमारे बारे में क्या बताएंगे, उनके हर संस्थान के दो दो चार चार लोग तो यहाँ अपॉइंटेड है जी। कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग होती नहीं, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करती है उस पर भरोसा कीजिए ना जी। हाँ, ये बात सही है कि सरकार के हर दावे पर प्रश्न करना ये मीडिया का काम है, ये हम सब जानते हैं जी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर बात का उपहास उड़ाया जाए। दुनिया में, मैं इस किताब के अंत में कहता हूँ, एक नए संचार व्यवस्था की आवश्यकता है, न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन ऑर्डर की आवश्यकता है, NWIU की आवश्यकता है जी, जिसमें सब चीज़ें सिर्फ उधर से ना आए, हम भी अपना कंटेंट क्रिएट करें। हालांकि आपने भी इसका जिक्र किया कि सोशल मीडिया भी आया हुआ है, सोशल मीडिया के ज़माने में लगता है ऐसा डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है, लगता है, पर ऐसा है शायद, इस बात को थोड़ा शंका की नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि मानवता के इतिहास में कभी भी समाचारों के संकलन का, समाचारों के प्रेषण का यानी डिसेमिनेशन का, उसकी स्टोरेज का इतना सेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ है जी। 3-4-5 कंपनियों के पास इतनी ताकत है कि अपने एल्गोरिदम्स के माध्यम से किसको क्या देना है ये तय कर सकें। ये जो कार्टलाइजेशन हुआ है, ये जो मोनोपोलाइजेशन ऑफ न्यूज हुआ है, न्यूज इंफॉर्मेशन फ्लो हुआ है, इसको बदलने की जरूरत है। भारत, भारत का समाज, भारत का जिसको बोलते हैं, जिस तरह का तंत्र है हमारे यहाँ, एक खुली व्यवस्था है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे यहाँ, एक खुली प्रेस है, जुडिशरी है, भारत उसका नेतृत्व कर सकता है इस नई संचार व्यवस्था का, जिसकी अब बहुत आवश्यकता है जी। अच्छा सर, क्या ये आपकी पहली किताब है या पहले भी आप कोई किताब लिख चुके हैं? नहीं, अभी तो ये मेरी पहली किताब है जी। और क्या किसी अन्य किताब पर काम चालू, क्योंकि ये तो पब्लिश हो गई, और वो लेखक का एक वो होता है ना कि लगातार लिखते रहना, तो होता है कि एक काम तब तक पूरा हुआ नहीं, तुरंत दूसरा शुरू कर दिया, तो क्या किसी दूसरी किताब पर भी कुछ काम कर रहे हैं? फिलहाल ये है कि ये अंग्रेजी में आई है, इसको हिंदी का इसका संस्करण आएगा जी, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो मेरा ही लिखा हुआ है जी, तो अनूदित नहीं है। अच्छा, वो भी एक नई पुस्तक ही होगी,
इसके बाद अन्य भारतीय भाषाओं में, और ये जो पूरा नैरेटिव का युद्ध है, वॉर ऑफ नैरेटिव्स है जी, इस पर कुछ और आगे काम करने का विचार है जी, लेकिन वो शोध परक होना चाहिए, वो भाषणबाजी नहीं होनी चाहिए जी, वो तथ्य के साथ होना चाहिए, इस पर ऐसा करने का मेरा मन है जी, आगे जी। जैसा होगा आपको बताएंगे। आखिर में सर एक लास्ट सवाल है कि दो लाइन में आप अपनी किताब के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्यों पाठक इसको, इसमें क्या मिलेगा, क्यों पढ़े, मतलब दो लाइनों में आप। देखिए मैं इतना बता सकता हूं कि जो भी इतिहास के विद्यार्थी हैं, मीडिया के विद्यार्थी हैं, जो भी नैरेटिव पर काम करते हैं और जिनको भारत से प्रेम है, जिनको ये मन में तकलीफ होती है कि हमारे बारे में ऐसा चित्रण क्यों किया जा सकता है, उनको बहुत तथ्य मिलेंगे इसमें, इनमें बहुत विवरण मिलेंगे, इनमें बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी जो पहले अलग अलग बिखरी पड़ी थी, तो इसलिए उनको किताब पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो निराश नहीं होंगे। धन्यवाद उमेश जी। तो ये थे हमारे साथ उमेश उपाध्याय जी, जिन्होंने अभी जो हाल में किताब लिखी जिसके बारे में हमने चर्चा की अभी, और उम्मीद है कि काफ़ी पाठकों को ये किताब पसंद आएगी। धन्यवाद उमेश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।